नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम टीवी और इस वक्त हम खड़े हैं कालका जी विधानसभा में। आस्था के महापर्व की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, नहा खा से जो शुरुआत है वो हो चुकी है और कल का जो अर्घ होगा शाम को अर्घ दिया जाएगा। यहाँ पर कालका जी विधानसभा का ये स्विमिंग पूल है और ये आस्था कुंज है, यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो पानी है वो भरा जा रहा है, दिल्ली सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो कराई जाती है हर साल, क्योंकि पूर्वांचल के जो लोग हैं लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेकर जो आस्था का ये महापर्व है उसको लेकर वो अपने राज्य अगर नहीं जा पा रहे हैं तो वो राजधानी दिल्ली में छठ पूजा जो है वो कर सकें और उसको लेकर जो पूरी तैयारियाँ हैं वो करी जा रही। कालका जी विधानसभा के तमाम लोग हैं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप लोग यहाँ पर काफ़ी समय से हैं, किस तरीके का इंतजाम जो है दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है? देखिए, दिल्ली सरकार आपको पता है हर साल की तरह ही इस साल भी उन्होंने छठ पे पूर्वांचली समाज के लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई है। तकरीबन दिल्ली में 1000 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं, क्योंकि पूर्वांचल समाज जो पूर्वांचली लोग हैं उनकी संख्या दिल्ली में काफ़ी है, तो उन्हें अपने जो उनके आस्था से जुड़ा पर्व महापर्व जिसको कहते हैं छठ, वो करने के लिए पूर्वांचल ना जाना पड़े। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसी व्यवस्था दिल्ली के अंदर ही करवाई है कि उनको दिल्ली में भी पूर्वांचल सा ही फील हो। तो दिल्ली सरकार यहाँ पर छठ के पर्व में हर तकरीबन 1000 घाटों पे पूरे घाट की व्यवस्था करवाती है। इसके अलावा बेसिक नीड्स जितने भी यहाँ पे टेंट हो गए, लाइट्स हो गए, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है सारी रिक्वायरमेंट्स दिल्ली सरकार पूरी करवाती है यहाँ पे, और ताकि पूर्वांचल के जो लोग हैं यहाँ पे दिल्ली में भी उनको ये फील ना हो कि पूर्वांचल जाना पड़े और पूर्वांचल जैसा फील उनको अपनी आस्था का पर्व महापर्व छठ यहाँ पे बड़े आराम से मनाए। देखिए किस तरीके से लोग जो है दिल्ली सरकार की तारीफ करें, कुछ और लोग भी हैं जो लोग, आप लोग यहाँ पर हमेशा कब से जुड़े हुए हैं इस इलाके में रहते हैं और दिल कब से छठ कर रहे हैं आप? ये पिछले 15 साल से यहाँ पे होता है छठ। जी जी, तो दिल्ली सरकार की तरफ से किस तरीके के इंतजाम जो है वो किए जाते हैं और आप लोग किस तरीके का इंतजाम यहाँ पर करते हैं? हम लोगों ने एक अपनी कमेटी बनाई हुई है जो कमेटी इसको ऑर्गेनाइज करती है और दिल्ली सरकार से जो जो भी एमिनिटीज जो हेल्प मिलता है हमें, जैसे पानी डालना है या टेंट लगाना है, लाइटिंग करना है, ये सारी हेल्प हमें दिल्ली सरकार से होती है। सुरक्षा को लेकर देखा जाए तो क्या इंतजाम होते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ क्या यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग भी होते हैं वॉलंटियर? सिविल डिफेंस के और साल तो शायद होते थे, इस साल मेरे समझ से नहीं है। अच्छा, इस साल से नहीं है, लेकिन पुलिस हमारे साथ होती है, पुलिस बहुत कोऑपरेट करती है। आप लोग भी अपने वॉलंटियर तैयार करते हैं? हमारे भी वॉलंटियर होते हैं, हम जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वो रखते हैं। सर, आप लोग भी यहाँ पर रहते हैं, दिल्ली सरकार की जब से सरकार बनी हुई है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, किस तरीके का इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया जाता है उनके द्वारा? नहीं, उनके द्वारा बहुत बेहतर सुविधा दी जाती है हम लोगों को, पानी की व्यवस्था की जाती है, लाइट की व्यवस्था की जाती है, टेंट प्रोवाइड कराया जाता है और हम लोगों को पहले जो परेशानियाँ होती थी उस तरीके की परेशानी अभी हम लोगों को नहीं होती। ये सारा दिल्ली सरकार को श्रेय देना चाहूँगा कि हमारा जो है ये पूर्वांचली का जो बहुत बड़ा पर्व है जिसको बनाने के लिए हम लोगों को बिहार या जमुना घाट तक जाना होता था, उसको इजी कर दिया है, घर तक पहुंचा दिया है घाटों को। इसके लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को धन्यवाद दूंगा और यहाँ के जो लोकल हमारी लीडर हैं हतीशी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अच्छा, कितना क्राउड होता होगा यहाँ पर, कितने लोग तकरीबन आते होंगे जो छठ पूजा व्रती होते हैं? मोर देन 10 to 15,000 के आसपास का क्राउड आता है यहाँ पे, जिसमें व्रती लगभग 800 to 1,000 होते हैं। तो देखिए किस तरीके से, क्योंकि आस्था का ये जो महापर्व है छठ, उसको लेकर तैयारियां भी पूरी तरीके से हो चुकी हैं, क्योंकि 19 तारीख को जो है शाम को अर्घ जो है वो दिया जाएगा और 20 तारीख को समापन होगा सुबह सूर्योदय के साथ साथ, जहां एक तरफ छठ व्रती लोग होंगे जहां अर्घ देंगी, वहीं आपको बता दें कि उसको जिस तरीके से मनाया जा रहा है, कहाँ एक तरफ राजधानी दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर छठ घाट बनाए गए हैं, उसके बावजूद यमुना में है जो लोग हैं वो पहुँचते हैं, हर जगह पर जो लोग हैं वो पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्योंकि बिल्कुल दिल्ली जल बोर्ड का जो पीने वाला पानी है, स्वच्छ पानी जो है वो यहाँ पर टैंकरों के माध्यम से जो है वो यहाँ पर डाला जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर छठ करने आते हैं, आपके परिवार के लोग आते हैं, किस तरीके का इंतजाम जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, हर एक बार से सबसे पहले दिल्ली सरकार का हम धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले आतिशी जी का, जिन्होंने जब से हमारे अंडर उन्होंने लिया है तब से जो है यहाँ पे 4 चांद लगा हुआ है। सबसे पहली बात साफ सफाई से लेके पानी की व्यवस्था है, टेंट है, लाइटें हैं, प्रॉपर वो खुद देखते हैं और इसमें उनका धन्यवाद करते हैं हम उनका, और किसी तरह कोई कमी नहीं आ रही। यहाँ के आसपास के लोग, बिहार के लोग जो भी आते हैं यहाँ पे, लोग जाते थे बिहार, पास में हो रहा है, इतनी अच्छी जगह आसपास में नहीं है और इससे बड़ा जगह भी नहीं है।
अच्छा, तो अब यानी कि घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा छठ में ये टेंशन होती थी कि छठ कहाँ किया जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा सुविधा मिल रही है, सुविधा मिल रही है, पूरी सुविधा मिल रही है, और उनके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, दिल्ली सरकार का भी, आतिशी जी का भी, और हमें किसी तरह कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो छठ महापर्व है उसकी तैयारियां जो है अब इस समय पूरी समापन पर हो चुकी हैं, पूरी तैयारियां हैं जो हैं वो करी जा रही हैं, जो पानी है घाटों में वो भरा जा रहा है, और जो छठ व्रती लोग हैं वो कल से पहुंचेंगे, और यहां पर जिस तरीके से जो पूरी तैयारी दिल्ली सरकार के द्वारा करी जा रही है, तो क्षेत्र के जो लोग हैं वो दिल्ली सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। आप राकेश सोनी, पंजाब की CTV दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।